नहीं आएगा सर, ये होती है प्राइमरी सस्पेंशन, ये स्प्रिंग एक अंदर है, इनर है, एक आउटर है, इसमें से कोई भी स्प्रिंग टूटी हुई है अगर, ठीक है, तो तुम कौन सी कंडीशन में उसको अलाउ करोगे? तो पहली बात तो पूरे कोच में एक ही स्प्रिंग टूटने वाली होनी चाहिए, तभी अलाउ हो सकती है, एक साथ अलाउ करेगा। पहले कौन सी कंडीशन है स्प्रिंग, ये प्राइमरी सस्पेंशन है, ये कोच जब अलाउ होगा जब इसमें से कोई भी पूरे कोच में एक स्प्रिंग टूटी होगी। दूसरी बात, एक ही जगह से टूटी होगी, दो जगह स्क्रैच नहीं, एक ही स्प्रिंग टूटी होनी चाहिए कोच को जब भी अलाउ करेगा टीएक्सआर, एक एक स्प्रिंग टूटी हो ज़्यादा से ज़्यादा, और एक ही जगह से टूटी हो तब अलाउ होगी। और तीसरी चीज़, ये जैसे नीचे से कॉइल गिने होगा तो दो कॉइल के अंदर ही टूटी हो, डेढ़ कॉइल है वैसे आरडीएसओ का नॉर्म्स, नीचे टूटी हो ये वाली या ऊपर, और ज़्यादा टूटी हो तो नहीं, बीच में से कहीं टूटी होगी तो नहीं करेंगे अलाउ। पहली कंडीशन, एक ही स्प्रिंग टूटी हो, एक से ज़्यादा होगी तो अलाउ नहीं करोगे। दूसरी कंडीशन, एक ही जगह से स्प्रिंग टूटी हो, यानी कि यहाँ से भी टूटी है, यहाँ से भी टूटी है, तो अलाउ नहीं होगी, एक ही जगह से और डेढ़ कॉइल तक टूटी हो। ये होने के बाद तुम क्या देखोगे, ये इसका डैम्पर है, प्राइमरी डैम्पर, ये सही होना चाहिए, ठीक है, प्राइमरी डैम्पर उसका सही होना चाहिए, और सारे डैम्पर वगैरह देख लोगे गाड़ी के, और सारी स्प्रिंग चेक करोगे, फिर टीएक्सआर स्टाफ के साथ एस्कॉर्ट करोगे, जहाँ भी गाड़ी रुकेगी उसको चेक करोगे, इन पे डिस्प्लेस नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन, ये जो स्प्रिंग है ये यहाँ से हटी हुई नहीं होनी चाहिए, एक जगह से टूटी हो, केवल एक ही टूटी हो, डेढ़ कॉइल तक टूटी हो, और ये अपनी जगह से हिले नहीं। उसमें क्या है, शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, उसी की उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हमने सबसे पहले कॉइल स्प्रिंग बनाई। कॉइल स्प्रिंग में क्या है, वो भी शॉक एब्जॉर्ब कर लेगी। डैम्पर बनाए, डैम्पर भी शॉक ऑब्जर्व करते हैं, और तीसरा एयर स्प्रिंग, ठीक है। अब जब भी कोई गाड़ी चलेगी तो तीन दिशाओं में ऑस्किलेशन हो सकते हैं, तीन दिशाओं में झटके लग सकते हैं कोई गाड़ी चलेगी तो, एक तो ऐसे करके, ऐसे करके और ऊपर नीचे भी, है ना। पहला झटका जहाँ लगेगा वहाँ जो स्प्रिंग लगी हुई है या डैम्पर लगे हुए हैं उसे बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन, ये वाले प्राइमरी सस्पेंशन है। यहाँ जब भी कोई ट्रैक में या व्हील में कोई दिक्कत होगी तो झटका सबसे पहले यहाँ लगेगा, इसको बोलते हैं प्राइमरी सस्पेंशन, फिर उसको सेकेंडरी सस्पेंशन। जब भी LHB में प्राइमरी स्प्रिंग टूटी हुई है तो कौन सी कंडीशन होगी जिसमें तुम परमिशन करोगे? पहली कंडीशन, पूरे कोच में एक ही प्राइमरी स्प्रिंग टूटी हो, एक ही जगह से टूटी हो, ठीक है, प्राइमरी स्प्रिंग शिफ्ट नहीं हुई हो, और प्राइमरी स्प्रिंग डेढ़ कॉइल मानी जाती है, ऊपर वाली आधी होती है, इसलिए प्राइमरी स्प्रिंग ऊपर या नीचे से डेढ़ या दो कॉइल तक टूटी हो बस, ठीक है, और प्राइमरी स्प्रिंग शिफ्ट नहीं हुई हो, उस दिशा में TXR स्टाफ उसको एस्कॉर्ट करेगा, 95 मैक्सिमम उसकी स्पीड रहेगी, और गाड़ी जहाँ भी रुकेगी रास्ते में तुमको चेक करने हैं कोई डैम्पर, कोई बम्प स्टॉप, कहीं कोई लीकेज वगैरह ना हो, ठीक है। तो प्राइमरी स्प्रिंग टूटी है अगर, तो उस कंडीशन में गाड़ी 95 तक अलाउ कर सकते हो, रेलवे RDSO का लेटर है। LHB में प्राइमरी स्प्रिंग टूटी हुई है तो 95 तक TXR अलाउ करेगा, 95 KMPH, है ना। कंडीशन तुमको ध्यान रखनी है कि एक ही स्प्रिंग टूटी हो, एक ही जगह से टूटी हो, स्प्रिंग शिफ्ट नहीं हुई हो, और दो कॉइल तक टूटी हो, डेढ़ कॉइल है RDSO को, उसमें 95 KMPH तक TXR अलाउ करेगा तुमको। तुम जब जाओगे उसमें तो जहाँ भी गाड़ी रुकेगी उसको चेक करोगे कि कहीं प्राइमरी स्प्रिंग शिफ्ट तो नहीं हो गई या ज़्यादा जगह से तो नहीं टूट गई, है ना। ठीक।